जब हमें अपनी टीम बढ़ानी होती है, अपना नेटवर्क बड़ा करना होता है, तो हमें अप्रोच करना होता है लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाने के लिए। आज का वीडियो मुख्यतः 3 पॉइंट पर आधारित होगा। सबसे पहला, प्रिपरेशन बिफोर अप्रोच। फोर थिंग ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग अप्रोचिंग, यानी अप्रोचिंग करते समय 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखें, खुद को तैयार करें। जिस तरह एक क्रिकेटर फाइनल मैच खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस करके खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार करता है कि बाउंसर को कैसे खेलना है, यॉर्कर को कैसे खेलना है, स्पिनर का सामना कैसे करना है, उसी तरह आपको भी तैयार रहना है। दूसरा, 4 types of people। अप्रोचिंग के दौरान आपको 4 तरह के लोगों से सामना होगा, उनसे कैसे बात करना है। और तीसरा, टाइप्स ऑफ अप्रोच, कितने प्रकार से अप्रोचिंग किया जा सकता है। एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष, उसी तरह जैसा प्रोस्पेक्ट वैसी अप्रोच। नंबर 1, प्रिपरेशन बिफोर अप्रोच। किसी भी पर्सन को अप्रोच करने से पहले 4 बातों को जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्या आपको आपकी कंपनी पर भरोसा है? क्या आपको आपकी अपलाइन पर भरोसा है? कंपनी के प्रोडक्ट पर आपको अटूट भरोसा है? क्या आपको आपके कंपनी के द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग पर भरोसा है? क्या आपको खुद पर भरोसा है कि यह कंपनी मेरी ज़िंदगी बदल सकती है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अपलाइन बोल दिया तो आप अप्रोचिंग करने लगे। सर्वप्रथम अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कीजिए। जब तक आपको आपकी कंपनी पर, प्रोडक्ट पर, अपलाइन पर 100% भरोसा नहीं हो जाता, तब तक आप किसी को भी अप्रोच मत करिए। दूसरा, एटीट्यूड, आपका नज़रिया। इस बिजनेस को आप किस नज़रिया से कर रहे हैं? कई लोग अप्रोच इस सोच के साथ शुरू करते हैं, चलो करके देख लेते हैं, कोई आया तो ठीक है, नहीं तो नौकरी तो है ही, अगर वह आ जाएगा तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप इस नज़रिया के साथ अप्रोच कर रहे हैं तो आपका अप्रोच कभी सफल नहीं होगा। आप दूसरे को वही दे सकते हैं जो आपके पास है। आपका एटीट्यूड गिविंग होना चाहिए, टेकिंग नहीं। उसको बुलाकर उसका भला कर रहे हैं, उसके सपने पूरे होंगे। कभी भी अप्रोचिंग के दौरान रिक्वेस्ट ना करें, अपना एटीट्यूड हमेशा हाई रखें। तीसरा, हाई एनर्जी लेवल। बात करते वक्त आपकी आवाज़ में जोश होना चाहिए, कामयाब पर्सन वाली कॉन्फिडेंस झलकनी चाहिए। कुछ लोग धीरे धीरे आराम से बोलते हैं, हाँ भाई एक बिजनेस कर रहा हूँ, तू भी करेगा? उधर से बोलता है, कैसा बिजनेस है? है एक अच्छा बिजनेस है, हम लोग अमीर बन जाएंगे। वो बोलता है, पहले तू अमीर बन जा, फिर मैं करूँगा। अगर आपकी बातों में एनर्जी होगी, जोश होगा, जुनून के साथ बात करेंगे तो लोग आपसे सवाल ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वो आपकी बातों पर भरोसा करेंगे। चौथा चीज़ है, डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। जिस तरह दुनिया के हर बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज लागू होता है, उसी तरह एमएलएम में भी सभी लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। कुछ लोग तो मना करेंगे ही, उनके रिजेक्शन से आप परेशान ना हो, वो आपके बिजनेस को मना कर रहे हैं, आपको नहीं। नेक्स्ट, जब आप लोगों को अप्रोच करेंगे तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। नंबर 1 कैटेगरी है, जो एमएलएम के बारे में नहीं जानते हैं। 2nd कैटेगरी, जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुने हैं, कभी किए नहीं हैं। 3rd कैटेगरी है, जो एमएलएम कर रहे हैं। और 4th कैटेगरी है, जो एमएलएम करके छोड़ चुके हैं, यानी कि फेल हो चुके हैं। नंबर 1, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, इन्हें अप्रोच करना आसान होता है, ये ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, उन्हें अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाना आसान होता है। दूसरा, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुने होते हैं या जानते हैं, ये कभी किए नहीं होते हैं। इनसे अप्रोच करने के लिए आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अप्रोचिंग के दौरान पूछे जाने वाले इनके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है या थोड़े ज़्यादा सवाल पूछते हैं। 3rd कैटेगरी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। कुछ नेटवर्कर जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उनको कॉल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट प्लान, इंसेंटिव, BBPB की डिटेल्स में बात करते हैं, या उल्टा आपको अप्रोच करने लगते हैं। हो सकता है कि यह आपको आपके कंपनी के प्रति कुछ नकारात्मक बातें भी करें। अगर आप पूरी तरह तैयार नहीं होंगे तो यह आपको निगेटिव भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ रहकर अप्रोच करें। और 4th कैटेगरी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करके छोड़ चुके हैं।
कोबरा स्नेक की तरह यह फन फैलाकर इंतजार करते रहते हैं कि कोई नया नेटवर्कर हमें कॉल कर दे, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर हमें कॉल कर दे। और अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर उनको कॉल कर देता है और अगर वहाँ अपलाइन उपस्थित ना हो तो आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर निगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नकारात्मक बातें ही करते हैं। मैं 3 साल रहा, कुछ नहीं हुआ। इसमें सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। लोगों को बुलाना बड़ी बात नहीं है, उन्हें रोकना बड़ी बात है। यार क्या बताऊँ, सारे रिश्तेदार हम पर गुस्सा करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अप्रोच करने से पहले खुद को तैयार कर लें, क्योंकि आपकी लिस्ट में कुछ डायमंड्स भी हैं तो कुछ कोबरा भी, और उनसे आपका सामना होगा। लेकिन हमारा फोकस डायमंड पर होना चाहिए, कोबरा पर नहीं। हमारा अप्रोचिंग का उद्देश्य अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाना होना चाहिए। फ़ोन पे अधिक जानकारी नहीं देना है, सिर्फ हमें वही बात करना है कि उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन तक कैसे पहुंचाना है। तो हॉट और वो मार्केट को कैसे अप्रोच करें, अब सीखते हैं। तो सबसे पहला बात है कि अपनी बातों को एप्रिसिएशन के साथ शुरू करें। इस दुनिया में हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है, भगवान भी सुनना चाहते हैं, हम तो इंसान ही हैं। लेकिन तारीफ सच्ची व दिल से होनी चाहिए। सच्ची तारीफ के कुछ उदाहरण हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन हैं। और अगर कुछ प्रोफेशनल पर्सन हैं तो उनके प्रोफेशन के साथ जोड़कर उनकी तारीफ करें। आप एक बहुत ईमानदार और समाज सेवी डॉक्टर हैं। अगर कोई किसान है तो आप बहुत क्रिएटिव किसान हैं, आपको फसल की अच्छी समझ है, आपको जानकारी है कि कौन सा दवा किस समय डाला जाता है। तो इस तरीका से आप प्रोफेशनल पर्सन को जो किसी खास पेशा से रिलेटेड है उनको उनके प्रोफेशन के साथ जोड़कर उनकी तारीफ करें। सेकंड पॉइंट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अप्रोच करते समय हमेशा जल्दी में रहे, क्योंकि आप उसको बिजी नहीं दिखाएंगे तो सारी जानकारी वह फ़ोन पर पूछेगा। और हमारा उद्देश्य उसको जानकारी देना नहीं बल्कि उसको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाना है। उसको सारी जानकारी बिजनेस प्रेजेंटेशन में तो दी ही जाएगी। तीसरा पॉइंट, फिक्स डेट टाइम एंड प्लेस। समय जगह व तारीख आप तय करेंगे और जो बोल दिया सो बोल दिया। उसके बाद अपने हस्तान से डिगना नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसको तय करने से पहले आप प्रोस्पेक्ट से पूछ लें कि क्या आप नेक्स्ट संडे को फ्री रहेंगे या आप शाम को फ्री रहेंगे। अगर वो हाँ बोलता है तभी आप डेट टाइम और प्लेस को फिक्स करें। चौथा, ऑफर वापस भी ले सकते हैं। अगर वह आपके द्वारा बताए गए समय पर आने के लिए एग्री ना हो तो आप ऑफर वापस ले सकते हैं। देखो भाई, अगर आप नहीं आओगे तो मुझे शाम तक कंफर्म बता देना, क्योंकि मुझे 2-3 लड़कों ने और बोला है, मैं आपके जगह पर उनको लगा दूंगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अप्रोच की, कि लोगों को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच है हेड ऑन अप्रोच, यानी जिसे हम डायरेक्ट अप्रोच भी कहते हैं। इस अप्रोच में सामने वालों को सीधा इन्वाइट करते हैं। यह अप्रोच हॉट और वो मार्केट के साथ ही लगता है। जो आपके रिलेटिव है, जो आपका जिगरी दोस्त है, उसको आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। भाई तू बहुत मेहनती है और तू एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, तू जैसा चाहता था वैसा काम हमें मिल चुका है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ मिलकर उस काम को शुरू करें। तो मैं कल तुम्हारे पास 10 बजे आऊँगा, तैयार रहना, हम दोनों साथ में चलेंगे और काम अच्छा लगा तो उस काम को साथ मिलकर शुरू करेंगे। उनको डायरेक्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर देना है। इनको ज़्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पर 100% भरोसा करते हैं, आप जो बोलेंगे आप पे यकीन कर लेंगे। दूसरा अप्रोचिंग का तरीका है बूमरैंग अप्रोच। इस अप्रोच में अप्रोच सामने वाले पर्सन को ही किया जाता है, लेकिन उसको सीधा ना देकर हम उसको इनडायरेक्ट देते हैं। इसका उदाहरण है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझे। मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाय राजेश, कैसे हो मेरे भाई, कैसे याद किया आज? अरे याद तो मैं तुम्हें हमेशा करता रहता हूँ। पता है, जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, और तुम उनमें से एक हो। अरे राजेश भाई, क्यों चढ़ा रहे हो इतना आज?
नहीं संदीप, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा पॉजिटिव नजरिया, तुम्हारा हमेशा दूसरों की मदद करना और तुम्हारी मेहनत, मैं हमेशा तुम्हारी इन खूबियों की चर्चा घर पर अपनी वाइफ से भी करता रहता हूँ। अरे राजेश जी, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा संदीप, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैंने तुम्हें आज कुछ खास बात करने के लिए फोन किया है, 5 मिनट बात कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और वो कंपनी दिल्ली में एक्सपेंड कर रही है और मैं ही पूरी दिल्ली में इस कंपनी की एजेंसी बांट रहा हूँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई तुम्हारे जैसे मेहनती, ईमानदार और एम्बिशियस लड़के हो जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं ऐसे 2-3 लड़कों को सेट कर सकता हूँ। अगर वो मेहनत करें तो महीने का 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है, थोड़ा हमें भी तो बताइए, क्या पता मैं ही कर लूं। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे मालूम था कि तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो, वरना तुम तो मेरे लिए सबसे पहले हो भाई। अरे राजेश जी, इसमें बिजी वाली बात क्या है, काम तो बताइए करना क्या होगा, अगर महीने के 50,000 रुपए मिलते हैं तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। अरे वाह संदीप, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मिल बैठकर मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा दूंगा। आज शाम को तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, ऐसा करते हैं कल शाम को मिलते हैं, कल शाम को तुम फ्री हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम एक काम करो, तुम कल शाम को 6:30 बजे मेरे घर तशरीफ लाओ, थोड़ा मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दो। मैं अपने मित्र गुप्ता जी जिनके साथ मैं काम करता हूँ उन्हें और उनकी वाइफ को अपने घर चाय पे बुलाता हूँ, तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। तुम एक काम करना, तुम राधिका भाभी को भी अपने साथ मेरे घर ले आना, हम सब साथ मिलकर चाय पी लेंगे और मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा भी दूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, मैं कल शाम को 6:30 बजे राधिका को लेके तुम्हारे घर आता हूँ। तुम्हें कल शाम 6:30 बजे पक्का समझो, तुम्हारी भाभी को बोल दो। हाँ हाँ राजेश बिल्कुल पक्का समझो, मैं ठीक टाइम पे घर पहुँच जाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं। ओके ठीक है राजेश, कल मिलते हैं। ओके भाई बाय। तीसरा अप्रोच है जिगजैग अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल हम किसी रिच पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन या उसका एजुकेशन हमसे हाई होता है, डॉक्टर, टीचर, सुपरवाइजर, जो आपसे किसी ना किसी चीज़ में बड़े हैं, उनके साथ इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। इस अप्रोचिंग के दौरान इनसे ओपिनियन या सजेशन लेना होता है। जैसे कैसे? हेलो सर नमस्कार, सर मैं एक बिजनेस शुरुआत कर रहा हूं और आपको तो पता ही है कि मुझे बिजनेस की इतनी अच्छी समझ नहीं है और आपको बहुत अधिक अनुभव है, तो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चले और मुझे सजेशन दे कि यह बिजनेस मेरे लिए कैसा रहेगा। अगर वह आपसे कंपनी के बारे में डिटेल्स मांगे तो आप उनसे बोलिए, सर मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं कल आपसे 10 बजे मिलता हूँ और हम दोनों साथ मिलकर कल बिजनेस को देखने के लिए चलेंगे। दैट्स इट। जिग जैग अप्रोच में सामने वाले पर्सन को ऊंचा दिखाया जाता है, उनसे ओपिनियन, उनसे सजेशन लिया जाता है, जिससे कि सामने वाले पर्सन आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन में आने के लिए एग्री हो जाए। यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे तक शेयर भी करें। धन्यवाद।